Good morning, students. Hope all of you are fine at your home. Dear students, today we will start the poem My Shadow from your book English Reader of Class 5th. Okay, students, do you know what is a shadow? Shadow kya hoti hai? Shadow hamari parchhai hoti hai. Theek hai? जब हम छोटे होते थे तब हम देखते थे कि हमारी परछाई जो है हमारे पीछे आती है और हम अलग अलग तरह के फेस अलग अलग तरह के हैंड्स ऊपर नीचे अप एंड डाउन करते थे. कभी हम इधर होते थे, कभी हम उधर होते थे, लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे. बट जो हमारी शेडो है वो हमारे साथ साथ ही जो है वो चलती थी. और जो कलर होता है शेडो का वो हमेशा ब्लैक होता है बेटा. ओके, इसमें इन दिस पोइम माई शेडो देर इज़ वन चाइल्ड है, अ लिटिल बॉय हु इज़ वेरी क्यूरियस विथ हिज शेडो. वो अपनी शेडो के बारे में जो है वो बता रहा है. ओके, लेट वी स्टार्ट विथ दिस पोइम. And the poet of this My Shadow is Robert Louis Stevenson, R.L. Stevenson. Okay, now we start the poem. I have a little shadow that goes in and out with me. इसमें बोल रहा है जो boy है कि मेरी एक little shadow है जो मेरे साथ जाती है और आती है. And what can be the use of him is more than I can see. But मुझे इसका कोई भी यूज़ नहीं लग रहा. उसने शेडो को हिम बोला बेटा, तो कह रहा है कि मुझे इसका कुछ यूज़ नहीं लग रहा बट मैं सिर्फ उसे देख सकता हूँ. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वो कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरे जैसी है, जस्ट लाइक मी फ्रॉम द फीट टू द हेड, मतलब सिर से लेके पैर तक बिल्कुल मेरे जैसी है. And I see him jump before me when I jump into my bed. वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल मेरे से पहले ही बेड पे जंप कर जाती है जब मैं सोने लगता हूँ. जैसे कि बेटा हम लोग सोने लगते हैं तो हमारी जो सामने अपीयरेंस है वो सीधी बेड पे जाती है, मतलब कि हमारी जो परछाई है वो पहले ही बेड पे चल जाती है और हम बाद में जो है वो सोते हैं. एंड नेक्स्ट, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. कहते हैं कि जो फनी थिंग है वो ये है कि वो एकदम से बढ़ जाती है, कि वो कैसे ग्रो हो रही है. एंड एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. कि ये जो है वो बिल्कुल भी हमारी तरह प्रॉपर जो चिल्ड्रन है उसकी तरह नहीं होती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, जैसे कि हम बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़े होते हैं. जैसे हम बॉर्न होते हैं, हम 1 ईयर के होते हैं, फिर 2 ईयर के होते हैं, 3 ईयर के होते हैं. हम धीरे धीरे जो है हमारा प्रोसेस जो है वेरी स्लो होता है, कि हम धीरे धीरे बढ़ते हैं. बट द प्रोसेस ऑफ शेडो इज़ लाइक समटाइम इट गोज लॉन्गर एंड समटाइम इट गोज स्मॉलर. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. कहते हैं कि कभी कभी जब मैं इसको ग्राउंड पे शूट करता हूँ, शूट अप्स मीन्स ग्रो हो जाती है, इंडिया रबर बॉल जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं जब हम उसको ग्राउंड पे थ्रो करते हैं या हिट करते हैं वो एकदम से ऊपर को बाउंस करती है ना. When we bounce the Indian rubber ball, मतलब कि जब उसको हम bounce, वो bounce हो जाती है, एकदम से ऊपर को होती है फिर नीचे होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी मेरी जो shadow है वो एकदम से बड़ी हो जाती है और एकदम से छोटी हो जाती है. And he sometimes goes so little that there is none of him at all. और कभी कभी वो बहुत छोटी हो जाती है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं. जैसे जब light नहीं है तो हमारी जो shadow है वो clear ही नहीं होगी, so वो बिल्कुल भी नहीं होती. ही हैजंट गॉट एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले. कहते हैं कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि चिल्ड्रन जो हैं वो कैसे खेलते हैं, उसके साथ कैसे खेलना चाहते हैं.
and can only make a fool of me in every sort of way. कहते कि ये मेरे साथ हमेशा मेरा मतलब फूल बनाती है, मेरा मजाक उड़ाती है, कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो शेडो जो है वो पीछे पीछे आ रही है, और तो वो कुछ करती ही नहीं है, वो मुझे फूल कर रही है. ही स्टेज सो क्लोज बिहाइंड मी, ही इज़ अ कॉवर्ड यू कैन सी. वो कहती है कि वो मेरे से मतलब मेरे इतनी क्लोज होती है, मेरे इतनी मतलब पास होती है मेरे पीछे, कि जैसे वो मेरे से जो है वो डर रही होती है. ब्रेव नहीं है वो, बहादुर नहीं है वो, मेरे से पीछे होती है हमेशा. आप देख सकते हो ये चीज़. आई हैड थिंक शेम टू स्टिक टू नर्सी एज दैट शेडो स्टिक्स टू मी. कहते कि जैसे मैं जब पैदा हुआ था, जब मैं बॉर्न हुआ था, तो मैं अपनी नर्स के साथ चिपका हुआ था, ऐसी जो शेडो है वो हमेशा मेरे साथ चिपकी रहती है, कि वो मेरे साथ ही चिपक के रहती है, वो मेरे से दूर ही नहीं जाती, कि जैसे मैं बड़ा होता हूँ वैसे ही वो शेडो बड़ी हो जाती है, और वो बिल्कुल मेरे साथ साथ ही रहती है, और जैसी मेरी रिजेंबलेंस है बिल्कुल वैसी ही शेडो की रिजेंबलेंस होती है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, कहते कि एक दिन जब बहुत अर्ली मॉर्निंग में वो उठ गया, अभी सन भी जो है वो नहीं आया था, वो वहाँ से उठ गया. आई रोज, वो खड़ा हुआ, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. कहते कि मैंने हर मतलब बटर कप यहाँ पे येलो फ्लावर्स को बोला गया है बेटा, कि उसके ऊपर जो सुबह सुबह ओस की बूंदें होती हैं ना, वो उसने देखी कि हर मतलब बटर कप फ्लावर्स के ऊपर, येलो फ्लावर्स के ऊपर ओस की छोटी छोटी जो थी वो बूंदें थी. बट माई लेज़ी लिटल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. वो कहता कि बट जो मेरी लेज़ी लिटल शेडो थी, जो बिल्कुल लेज़ी थी, वो नहीं आई, वो सो रही थी. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एरेंट मीन्स कम्प्लीटली अनअटेंटिव, कि वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, वो वहीं पे मतलब है, मतलब वो बेड पे ही सो रही है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं उठ के जा रहा हूँ. वो कह रहे हैं कि मैं उठ के जा रहा हूँ बट मेरी जो शेडो है वो तो आई नहीं रही, वो तो वहीं बेड पे है. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड. कहते कि वो तो घर पे ही है, और मैं जो है वो उठ के, मैं जो हूँ वो उठ के आ गया हूँ, और मेरी शेडो तो आई नहीं और वो सो रही है, वो बहुत ही लेज़ी है और वो सो रही है. सो दिस इज़ द पोइम रिटन बाय रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन इन विच ही वॉन्ट टू टेल अस दैट अबाउट अवर शेडो. ठीक है, हम वो इसमें क्या कह रहा है कि जो पोइट है वो बच्चे के बारे में बता रहा है कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जैसे वो शेडो को देख के वो सोच रहा है कि ये कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है. ठीक है, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी कभी तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी लॉन्ग हो जाती है, कि वो देखता ही रहता है कि इतनी बड़ी कैसे होगी, है ना. तो इसमें जो है वो कह रहा है कि हमें शेडो के बारे में पता होना चाहिए, शेडो जो है हमारी कैसे बड़ी हो रही है, कैसे छोटी हो रही है, और वो हमसे पीछे ही रह रही है, और वो हमारे आगे नहीं आ रही है. मतलब इसमें बच्चा जो है वो ये सब कुछ सोच रहा है अपनी शेडो के लिए, कि कैसे वो है ना हमेशा चिपकी रहती है, और वो कैसे हम लोगों की तरह, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़े होते हैं, बट वो जो है एकदम से बड़ी हो जाती है और एकदम से छोटी होती है. और बेटे जो शेडो का साइज़ है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता. ठीक है, मॉर्निंग में उसका साइज़ जो है वो और होता है, आफ्टरनून में जो उसका साइज़ है वो और होता है, और इवनिंग में जो उसका साइज़ है वो और होता है. ठीक है, सो ये जो था मतलब जो पोइट है वो बताना चाहता है कि शेडो के बारे में, कि शेडो का कैसे साइजेस होते हैं. ओके, थैंक यू बेटा, होप यू अंडरस्टैंड दिस पोइट. थैंक यू सो मच.